बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायकों ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रतिक्रियाएं दी। द्वार पर प्रदर्शन भाजपा के नेता कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, ये देखिए भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफे की मांग हो रही है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को सरकार संरक्षण दे रही है। कि जिस प्रकार से लगातार इस प्रदेश के में भ्रष्टाचार के नित नए कारनामे स्थापित हो रहे हैं, मधु कोड़ा पार्ट टू के रूप में देश और दुनिया में झारखंड बदनाम हो रहा है, नित नए भ्रष्टाचार की कहानियां आ रही है, उससे झारखंड शर्मसार हो रहा है और इसको लेकर के आज सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण अपने जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का काम किया है। वहीं सदन के अंदर हमने राज्य के जो ज्वलंत मुद्दा है, खास करके पेयजल संकट गहराता जा रहा है, उस पेयजल संकट के मुद्दे को लेकर के सदन के अंदर सरकार की गंभीरता दिख नहीं रही है, इसको लेकर के हमने सदन के अंदर इस विषय को कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। सदन चलेगा तो देखते हैं राज्य सरकार का क्या रुख होता है। रुझान में क्या लग रहा है रामगढ़ में? जनता का जनादेश आने दीजिए, राज्य का जनता का जो जनादेश देगी। क्या हंगामा होता रहेगा सदन में? मैं अपनी बात जो है, जो राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार, अत्याचार और जिस तरह से हत्याओं का दौर चल रहा है, निश्चित तौर अपनी बात को रखेंगे। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जो जन सुविधा जो मिलनी चाहिए, जो राज्य में सूरत बदलनी चाहिए, सूरत की सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा करना आपका मकसद नहीं। धन्यवाद। भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है बीजेपी? मुद्दा है नहीं, अब हम लोग कुत्ता से भाई हो गया है, सभी क्वेश्चन कर रहे हैं कुत्ता पकड़ने के लिए। रामगढ़ में क्या लग रहा है? देखिए रामगढ़ पहला रुझान है, अभी दो तीन से काउंटिंग हुआ, दो तीन चरणों का, अभी आगे देखिए एक आध घंटा के बाद फिर सब उल्टा हो जाएगा। इन्हें उम्मीद है कि रामगढ़ में दृश्य बदलेगा और जो परिणाम इन लोगों की ओर से यानी गठबंधन की ओर से जो अपेक्षित है वो होगा। तो बीजेपी के लोगों ने, विधायकों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।